नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्भवान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री प्रेम संपुट ग्रंथ का जो है अध्ययन कर रहे हैं। संग राधा जी देवांगना रूपी विषधारी कृष्ण के निकट अपने हृदय को खोल करके प्रकाश करके बता रहे। अरे सखी श्री कृष्ण अन्य सखियों के प्रेम के अनुरूप ही अनेक प्रति अनुरक्त होते हैं। वे जितने परिमाण में अनुरक्त होते हैं तत् अनुरूप ही श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं। इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, किंतु यदि कभी इस नियम का व्यतिक्रम होता है तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता है और मुझमें भी दुख प्राप्त होता है। अर्थात प्रिया के प्रेम की तुलना में अधिक प्रीति दिखाई जाए अथवा अधिक विहार किया जाते हैं तो उसे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण की आकांक्षा के अनुरूप आस्वादन देने वाली उपयुक्त प्रीति तथा उस नायिका में नहीं होता है। अतएव आकांक्षा की आपूर्ति के लिए श्री कृष्ण का दुख होते हैं तथा श्री कृष्ण के दुख पाने पर श्री राधिका भी दुखी होती है। तात्पर्य ये तो बताते जा रहे हैं श्रीमती राधिका कह रही हैं, ये कृष्ण जो नाई के साथ प्रेम करते हैं वो समान रूप में यदि हो तब वो प्रेम प्रकाश होता है और अधिक व कम रूप में हो वो प्रेम प्रकाश नहीं होता है। कृष्ण के दुख होता है उस समय है। जैसे साधारण एक बाद में भोजन मैं उतना करना चाहता हूँ जितना मेरा जरूरत है, उसके यदि कम भोजन मुझे मिले तो मैं लज्जावश तो नहीं कहूँगा जी भाई और दो चार रोटी दे दो। तो हमारे कह रहे भूख मिटेगा क्या? नहीं होगा। तो भूख नहीं मिटने पर मेरे हृदय में कष्ट होगा। अथवा कोई व्यक्ति अधिक रूप में मुझे भोजन खिलाया, मैं जितना खा सकता हूँ अधिक रूप में कोई भोजन दे दे तो उसमें हमारी भी नुकसान बार दुखदायक होगा कि नहीं होगा? मानो आप कितने रोटी खाती हो? पांच रोटी खाते हो। यदि आपके यदि किसी घर में यदि 10 रोटी दे दिया जबरदस्ती खाना पड़े बोले नहीं खाओ खाओ, अरे लो 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 ना लो, आप तो खा तो लिया किंतु आपके हुआ क्या क्या होगा बाद में कष्टदायक होगा होगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार मानो कृष्ण श्रीमती राधिका कह रही हैं
ये कृष्ण जब कोई अन्य दूसरी सखियों के पास चले जाते हैं बा वो समस्त सखियाँ कृष्ण के बहला फुसला करके उनके साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, किंतु कृष्ण के यथार्थ मन को नहीं जान करके अधिक अथवा न्यून माने कम रूप में यदि उसके प्रेम विहार आदि करे तो कृष्ण के उसमें दुखी होगा। वही दुखी क्या है न कृष्ण के दुखी हमारे दुख होता है। तात्पर्य जी यह श्रीमती राधिका कहना चाहती है मैं ही एकमात्र जो कृष्ण की जो है जितना जरूरत है उतना ही मैं सुख दे सकता हूँ, अधिक अथवा न्यून माने कम रूप में नहीं है। आज भोजन सामग्री आपने बनाया लवण नमक उतना ही दिया जाए जितने देर से सब्जियां जो टेस्टी हो, यदि कम हो जाए तो वो सब्जी टेस्ट नहीं होगा, और अधिक यदि नमक दिया जाए खा नहीं पाओगे फिर। तो उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं अतएव इस आशंका की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण दुखी होते हैं तथा श्री कृष्ण के दुख पाने पर राधिका भी दुखी होती है। क्यों न राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, एक मन एक तन एक जीवन एक सब कुछ है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप, ये सिद्धांत हो रहा है। राधा कृष्ण भी अलग नहीं है, केवल इतना ही हमारे गौड़ी सिद्धांत कहते हैं क्या जी शक्ति शक्ति मानो द्वयो अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान और श्रीमती राधा जी के कहा जाता है शक्ति है, और वही शक्ति ही शक्तिमान भी में नित्य विराजमान होते हैं। शक्ति के शक्तिमान से आप अलग नहीं कर सकते, जैसे अग्नि अग्नि की दाहिका शक्ति है, देखो जलाने ये शक्ति है, ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण एक ही स्वरूप तो है किंतु लीलारस आस्वादन करने के लिए वो दो रूप धारण करते हैं। इसलिए दोनों की तन मन प्राण जीवन एक ही रूप में गढ़े हुए हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था बिना के जो वो स्ट्रिंग जो है कहीं पर भी थोड़ा सा आप टच करें वो जो तरंगित व झंकार होता है वो झंकार एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक वो अपने आप पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण में जो दुख है वह दुख कहाँ पर पहुंच जाते हैं राधा जी के पास, कृष्ण में जो सुख वो कहाँ पहुंच जाता है अपने आप राधा जी के पास आ जाती है। तो इसलिए स्वयं राधा जी कह रहे हैं कृष्ण दुखी होते हैं तथा श्री कृष्ण के सुख पाने दुख पाने पर राधिका भी दुखी होती है। श्री कृष्ण अपने साथ मिलने के लिए मुझे संकेत देते हैं तथा वे भी उस संकेत का स्थान पर विचार करती हूँ, परंतु यदि उनकी आगमन नहीं हो पाता तो विघ्न ही उनका एकमात्र कारण होता है जिसे कहते हैं निवारणता है, और क्या रस में ये होता है क्या निवारणता है, प्रचंड कामकता निवारणता दुर्लभता और वाम्यता, ये निवारण होता है ऑब्स्ट्रैक्ट्स, निवारण माने ऑब्स्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। वे मुझे एकाग्र चित्त होकर भी अन्य किसी रमणी के अनुरोध से आबद्ध होकर उसके साथ रमन तो कर लेते हैं किंतु उस विहार से उसे सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारी रात ही वे मेरे दुख चिंतन चिंतारूप दवानल में आकुल रहते हैं। तात्पर्य है कि
श्री कृष्ण के विरह में राधा जी को जो दुख होता है उसके विश्व ब्रह्मांड भी सुख सागर में निमग्न हो जाता है। बोले देखो कृष्ण के विरह में राधा जी के दुख होता है और सारे विश्व ब्रह्मांड उस सुख सागर में हो जाते। इसके ब्रह्मांड क्षोभकारिता है जो महाभाव में उद्भव महाभाव में एक एक लक्षण के जो मैं बताया था। कितने लक्षण है याद है? 6 लक्षण है, आप लिख करके रखो तब याद हो जाए। इस लक्षण में क्या बता रहे हैं? ब्रह्मांड शुभकारिता है समस्त उससे विश्व ब्रह्मांड की शोक मार्ग में निमग्न हो जाता है। यह कि बद्ध जीव अथवा मुक्त जीव सबके हृदय शोक में आकुलित व्याकुलित हो जाता है। मुक्त पुरुष तो उसको अनुभव कर लेते हैं किंतु इस संसार में बद्ध जीव कर नहीं पाते, किंतु होता है, होता रहता है किंतु अनुभव नहीं कर नहीं पाते हैं। बद्धता होने के नाते जिस प्रकार लोहे में यदि वो लग जाए, जंग लग जाए आ समझे, तो चुंबक जो है वो लोहे के आकर्षित कर नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव में माया के द्वारा आवृत होने के नाते उसके अनुभव को नहीं कर नहीं पाते और मुक्त जीव माया से मुक्त हो जाते हैं। जैसे लोहे में जंग नहीं रहे मैला नहीं रहे, स्वच्छ परिष्कार निर्मल लोहे के वो मैग्नेट आकर्षित कर लेते हैं। इतना ही तक बस, ये होता ही सब में इस जगत में। अभी कभी कभी भी थोड़ा सा भी मन के आपके यदि सत्विक मन हो, विकार हो, सत्विक युक्त मन हो, तो आपके कभी कभी भी ऐसे लगेगा ये मेरा मन आज क्यों ना जाने क्यों अविचलित हो रहा है। कहते ना पता नहीं मन क्या होते यार, सत्यगुण के द्वारा मन आवृत है, ये भी तो माया के गुण है किंतु उसके पूर्ण अनुभव नहीं हो रहा है। ये क्यों आज मन मेरा चंचल, यदि पूछा जाए भाई कभी कभी होता है ना, ये मन आज मेरा ठीक नहीं लग रहा है, क्या हो गया ना, उसी के कारण की कहा जाता है ये राधा जी के जो ब्रह्मांड क्षोभकारिता जो होता है समस्त ब्रह्मांड के कारण आलोलन विडोलन कर लेते हैं। आसमें एक लक्षण ये बताते हैं, आत्मा विस्मृत करा देते हैं। स्वयं राधा जी जो है महाभाव की जो दशा वो क्या बोलते हैं, आत्म विस्मृति है, आश्चर्य हो जाता है क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। आज कोई रोग से हो अथवा किसी कर्म से हो आपके शरीर क्या करेगा, ऐसे एक आलोलन विडोलन होगा, टलमल टलमल करेगा है। रोग होने के नाते भी होता है और दूसरी यदि आपके चित्त सात्विक भाव हो तथापि आपको ऐसी दिखाई पड़ेगा। किंतु सबसे ये सत्य रजतम ये भी क्या है, माया के द्वारा गुण भी तो है, इसलिए संपूर्ण अनुभव नहीं होता उसका किंतु मुक्त पुरुष में होता है। इसके क्या जाए महाभाव में दूसरी क्या आ गया, क्या लिखा मैं, आत्म विस्मृति, अपने के भूल जाते हैं, संग को भूल जाते हैं है? एक एक करके दिखा रहे हैं है? ब्रह्मांड क्षोभकारिता आत्म विस्मृति और क्या बताया पर क्या भाव नहीं होता है। ये जो महाभाव के जो 6 लक्षण जो बताते मैं जा रहा हूँ, इसके और एक क्या होता है, खनार्धे कल्पत्व, कल्पत्य खनार्ध, खनार्धे कल्पत्व ता ब्रह्म रात्र, ब्रह्मा जी के नाजनी कितने रात्रि ता रात्र, यहाँ पर बहुवचन में कह रहे हैं। आज श्लोक में ये गोपियां
कृष्ण के साथ कितने दिन तक रास किया, विहार किया, बोले ता ब्रह्मरत्र, अनेक ब्रह्मरत्र एक नहीं, किंतु वह गोपियों के निकट ऐसे लगता है ये क्षण काल है, ता ब्रह्मरत्र। और फिर कृष्ण जब गोचारण आदि के लिए चले जाते हैं, जिसको प्रवास कहा जाता है, प्रवास एक प्रकार विच्छेद होता है, उससे गोपियों के निकट ऐसे लगते हैं एक शतयुग, कितने युग हम कृष्ण से मिले नहीं है, ऐसे होगा। उसे कहते हैं कल्पत्य खनार्थ, खनार्ध और खनार्ध कल्पत्य हो जाता है, है? अच्छा है? एक 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 पेन है, ये श्लोक नंबर जो है 64, उसके विश्व ब्रह्मांड ही सुख सागर में। अच्छा, साक्षात कृष्ण नित्य नायिका के द्वारा आलिंगन अवस्था में राधे के विरह दुख का स्मरण में मूर्छित हो जाते हैं, तथा उज्जवल निर्मल में भी इस प्रकार कहा जाता है, अत्र अनुभावा गोविंदे कांता अश्लिष्टे ओपि मूर्छना। जिसमें मैंने काल कहा था कृष्ण कहाँ पर है, द्वारकापुरी में किसके साथ मिल रहे हैं, रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के साथ भी है बैठे हुए हैं, और इधर वृंदावन में अकस्मात राधा जी की जो है हृदय में कृष्ण के प्रति प्रबल विरह उत्पन्न हो गया है, चिंतन करते करते विरह उत्पन्न हो गया है। और देखो वो विरह की जो झंकार व विरह जी की जो वो कहाँ पर मौज गए, द्वारका में, और कृष्ण सही जो है उसके अनुभव कर लेते हैं है। यद्यपि रुक्मिणी के साथ बैठे हुए और होते हुए भी वो राधा जी के चिंतन, वो प्रेम के झंकार में पर जाते ही कृष्ण हाराधे हाराधे करके मूर्छित हो जाते हैं। इसके बृहद भागवत अमृत में श्री सनातन गोस्वामी तो वर्णन कर रहे हैं, रोहिणी देवी के निकट ये समस्त महिषियाँ कहने लगी, ये हम लोग यहाँ पर 16108 हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण के सर्वतो रूप में, सर्वक्षण में है, एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल सेकेंड है, हम उनके जो है सेवा और उनकी आनंद देने के लिए हम प्रयास करते हैं, किंतु तथापि कृष्ण हम लोग की सेवा में इतने प्रसन्न नहीं है। क्यों? बोले देखो जागते हुए अथवा सोते हुए कृष्ण वो समस्त गोपियों बा ब्रजवासी को नाम लेकर के रोते हैं। क्यों? रुक्मिणी देवी कह रही हैं है? ये कभी कभी रात में कृष्ण हमें आलिंगन करके कहते हैं है? हे चंद्रावली तुम कहाँ हो हे ललिते हे विशाखी, ऐसे करते रहते। कभी कभी सत्यभामा भी कह रही है ये रात में तो दूर की बात है, सपने में तो इतना तो हमें करती है, यह तक भी कभी कभी दिन में कृष्ण हमें अंचल पकड़ करके कहते हैं हे राधे तुम कहाँ हो। अरे मैं अरे राधा, ये राधा चंद्रावली ललिता विषय ये कौन है, क्या सपने में जागृत अवस्था में उनके नाम लेकर के पुकारते, उसके मतलब उनके लोग के प्रति इतने प्रेम है, हमें चंद्रावली भ्रम करके रुक्मिणी रुक्मिणी कह रही है, हमें चंद्रावली भ्रम करके चंद्रावली के नाम लेकर के पुकार रहे। मैं थोड़ी चंद्रावली हूँ, ये तो लीला है ना, है तो चंद्रावली कौन, रुक्मिणी
किंतु वो जोग माया के द्वारा उनकी तो प्रकाश कहा गया। और ये कह रही है कौन? सत्यभामा। सत्यभामा कह रही है, ये आश्चर्य की बात है। कभी कभी कृष्ण अकस्मात मेरे अंचल के पकड़ करके कहते हैं, हे राधे तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना मैं ही नहीं रह सकती। फिर मैं पीछे घूम करके देखा है कृष्ण हमारी चंद अंचल पकड़ के रो रहे। ये क्यों? वो राधा कौन है? कौन पूछ रहे हैं? याद रखना, सत्यभामा पूछ रहे हैं। वो राधा कौन है हमें तो समझ में नहीं आता है। उनके प्रेम की महिमा क्या है? कभी कभी कृष्ण अकेला बैठ करके ये समस्त सखियां जो है वो उस सभा में, क्या बोले, सुधर्मा सभा में रुक्मिणी के साथ, रोहिणी देवी, बलदेव की माता रोहिणी के साथ बैठ कर कथा आलोचना कर रहे हैं। कभी कभी कृष्ण भाव में आविष्ट हो करके अकेला हे नंद बाबा, हे नंद महाराज, हे सुबल, हे सुदाम, हे जसोदे, ऐसे करके रोते रहते हैं। वो सब ब्रजवासी कौन है? यहाँ तक नहीं भी नहीं है, वह पर गायों के नाम लेकर के भी कृष्ण रोते हैं। हे समली, धवली, मृदंगमुखी, ऐसे नाम लेकर के रोते रहते। ये द्वारकापुरी है, ऐश्वर्य धाम है, तो वही समस्त लोग, वो समस्त ब्रजवासियों के नाम लेकर के क्यों रोते हैं? पर उनके साथ प्रेम है क्या? कहते प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, एक साधारण प्रेम होता है, विशेष प्रेम होता है। साधारण प्रेम में उसके नाम स्मरण रहता है, और जब वही प्रेम जब गाढ़त्व और भी गाढ़त्व धारण कर लेते हैं वो नाम भूल जाता है। माने उनकी स्मरण तो हो रहे किंतु प्रेम की इतने गड़त 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 होते जा रहे हैं, जैसे दूध के आप जब क्या बोलते हैं उबालो, तब उसके दूध होते होते दूध क्या परिणत हो जाता है? मानो राबड़ी में हो जाता है, तब उसमें आप दूध नहीं कह रहे हो, है तो ही दूध है। किंतु उसी प्रकार वृहद भागवत सनातन गोस्वामी पाद इसको भी वर्णन करते जा रहे हैं। कभी उनके नाम लेते हैं, कभी विस्मरण होकर के है हा गोपियां करके चिंतन करते रहते हैं। देखो ये कैसे भाव होता है। कत नंद कुल चंद्रमा, महाप्रभु भी ऐसी है। महाप्रभु नाम नहीं ले रहे, वो चंद्रकुल के चंद्रकुल के जो है, यहाँ पर चंद्र कृष्ण चंद्र कह रहे हैं, वो कहाँ है? जिनके सिर पर जो है मयूर पंख जो है लगे हुए हैं, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अर्थात कृष्ण के प्रति इतने प्रकार, राधा जी भी इसी प्रकार हो रहे हैं। ये राधा जी इतने विरह में हो जाता है, कृष्ण नाम क्या हो जाता है? विस्मरण हो जाता है, विस्मरण भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रेम की इसी प्रकार गाढ़त्व बने कह जाते, उसके विपरीत वैपरीत धारण कर लेते हैं। तो यह पर भी कहते हैं ये उज्जवल मुनि ग्रंथ में साईभा प्रकरण में वर्णित हुआ है, अत्र अनुभावा गोविंद कांत आश्लिष्ट ओपी मूर्छना। बोले ये सब एक अनुभाव कहा जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए राधा जी, राधा राधा राधिका ने कहा कि श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के पास जाकर भी मेरे दुख की चिंता से अशांत रहते हैं। सखी इस ब्रजांगना के साथ विलाप करते हुए मेरे दुख की चिंता करके श्री कृष्ण जिस दुख को पाते हैं, बस उसी के लिए मुझे अत्यधिक मानसिक संताप होता है। मेरा वेश भूषण विलास सुंदर वस्त्र आदि धारण करना सब कुछ विफल हो जाता है। राधा जी कह रही हैं, कृष्ण तो मुझे संकेत दिया, हे राधे आज तुम्हारे इस कुंज में मैं
मिलूंगा है, मानो विलास कुंजन है। कृष्ण डायरेक्ट नहीं बोलते, मैंने कभी उदाहरण देते ना, बार बार किसको कृष्ण संभालते हैं, गोपियां समझ जाती है आज गोविंद कौन सा कुंज में मिलेंगे। क्या बोला, केशव कुंज में, ये केश है ना, ये सब प्रेमिक प्रेमिक की भाषा कहा जाता है। कभी कभी कृष्ण एक सुंदर हरी हरी पत्ता लेकर के जाए, बार बार वो घुमाते रहती है, गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण हरित कुंज में मिलेंगे। वृंदावन जाते हो ना, माँ के बिहारी की लाइन में इधर से जाते हुए यहाँ पर लिखा है हरित कुंज लिखा है, देखा आपने है हरित कुंज में। गोपियां ये संकेत को वो समझ जाती थी, किंतु संकेत तो दिया हरित कुंज में अथवा केशव कुंज में आने के लिए, किंतु रास्ता में चंद्रावली के सखी है क्या ना पद्मा अथवा कोई सखी उनको फुसला करके लेकर के चले जाती है। तो उससे क्या होती है, चंद्रावली के साथ मिला सारा रात। राधा जी कहती है चंद्रावली के साथ मिलना हमारे कोई दुख के कारण नहीं है, बाप मैं ईर्ष्या नहीं करती हूँ, ऊपर से दिखा ईर्ष्या करते, बोले नहीं ईर्ष्या के कारण नहीं है, ईर्ष्या के कारण उसमें दुख 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 होता है। क्यों, ये चंद्रावली जो कृष्ण के संपूर्ण रूप से जो है प्रेम दे नहीं पाते हैं। देख एक साधन उदाहरण देता हूँ समझ में आए, गुरुदेव के दो सेवक है, एक सेवक अच्छा रसी बनाते हैं और एक सेवक ठीक से बना नहीं पाते हैं है? जो सेवक ठीक से सब्जी नहीं बना पाते हैं वो कहते नहीं मैं गुरुदेव के लिए आज ये सब्जी बनाऊंगा, गुरुदेव के दिया तो गुरुदेव वो सब्जी जो पाया तो उनके अच्छा नहीं लगा, बोले यार ये सब्जी में तो नमक कम हो, तब गुरुदेव से उससे गुरुदेव के जो दुख हो, गुरुदेव यद्यपि समस्त शिष्य के प्रति समभाव रखते हैं है? किंतु गुरुदेव जो अच्छा जो सेवक है उनके मन में दुख होता है, जे गुरुदेव आज ये सब्जी ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा खाया तो गुरुदेव के पेट नहीं भरा, गुरुदेव के सुख नहीं हुआ। इसलिए जो श्रेष्ठ सेवक वो उस सेवक के लिए ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेवक ठीक से सेवा नहीं किया उसके दुख होता है, उनके गुरुदेव के दुख होने नाते कि उनके दुख हो रहा और कोई कारण नहीं है। ईर्ष्या आदि बाम्यता आदि जो कुछ भी है राधा जी कह रही हैं, ये मैं बाम्यता ईर्ष्या जो कुछ भी करते हैं तुम जो समझ लोग कहते हैं, किंतु वास्तव रूप में एक ही कारण होता है क्या, ये कृष्ण की मैं जो सुख देता हूँ और कोई दे नहीं पाए। तब उस समय और फिर उसमें क्या होता है ना, मेरा बेस श्रीमति राधे जी क्या कह रहे हैं, मैं जो ये कृष्ण जो मुझे संकेत दिया था मेरे कुंज में आने के लिए, मैं संकेत अपने हाथ में अपने कुंज को मैंने सजाया, अपने सुंदर वेश भी धारण किया, आभूषण धारण किया, किस लिए, कृष्ण सुख के लिए, किंतु कृष्ण आए नहीं। इस समय मैंने उस समय जो मैं कंदन किया था राधा जी कह रही है, अश्लिष्वा पादरतंग पिनष्टुभंग मत अदर्शनात् मर्माहतं कर्दुबा यथा तथवा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। वो लंपट होने पर भी वो मेरा प्राण प्रियतम है किंतु उनकी दुख हो रहा, उनके दुख ही हमारे हृदय में दुख रूप में प्रतीत होता है और कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं भी दुखी होता हूँ और उस दुखी बाम्यता रूप धारण करके उनको मैं शासनादि उनके ऊपर वो करते रहता हूँ। प्रातःकाल जब कृष्ण ने मेरे निकट आकर अत्यधिक अनुनय किया, उस समय मैंने ऐसे कहकर क्रोधपूर्वक उनका तिरस्कार कर दिया कि तुम अपनी उसी प्रियतमा नायिका के समीप जाओ जिससे अंग सुख का तुम संभोग करो,
मेरा यह क्रोध श्री कृष्ण के सुख के लक्ष्य करके ही हुआ था। जैसे हमारे बांग्ला कीर्तन में एक होता है, कहते हैं राधा जी मान कर ली, कृष्ण प्रातः काल में आए, राधा जी मान करके क्या की, दरवाजा बंद कर दी। इतने समय तक मानो कुंज के सजा करके कुंज के बाहर बैठी थी कृष्ण की मिलने के लिए। और जब कृष्ण जब प्रातः काल में आए, बस कृष्ण के थोड़ी सी दूर से देखते ही राधा जी के क्या हो गया, मान उत्पन्न हो गया। राधा जी अंदर में जाकर के वो कुंज के दर्जा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उस समय कृष्ण कुंज के द्वार पर जो सखियां थी, मंजरियां हो अथवा ललिता विशाखा जो सखियां, उनके निकट कृष्ण अत्यंत दीनहीन होकर के कान पकड़ करके दंड बैठन बैठ करने लगे, मेरा अपराध हो गया, ये अपराध क्षमा करने लगे। राधा जी भी क्या करती है, वो छोटा सा जो कुंज की जो क्या बोलते हैं झरोखा जिसको कहा जाता है गैप, देखते रहते हैं, मानवती तो है, वो देखते रहते कृष्ण की ऐसे जो है, किंतु तथापि राधा जी मान को त्याग नहीं दे रही है। आसमान और फिर ललिता विशाखा जब राधा जी के कहती हैं ये राधे इसके अपराध को क्षमा कर दो, मैंने कृष्ण के अपराध को क्षमा कर दो, उस समय राधा जी के मान और भी बढ़ जाते हैं, कहते नहीं है, बहुत अनुनय विनय करने पर भी राधा जी मान को त्याग नहीं देते हैं। और तब उसमें ललिता विशाखा अथवा मंजरी जो भी है कृष्ण के संतना वाक्य देते हैं, हे कृष्ण देखो राधा जी अभी जो उसके दुर्जय मान है, हो सकता है कुछ समय के बाद उनके मान शांत हो जाएगा, तब तू आना। ऐसे कह करके कृष्ण के उन स्थान से वो लोग विदाई दे देते हैं। और देखो आश्चर्य की बात है, कृष्ण जब चले जाते हैं कुंज के बाहर, उस स्थान के कुंज के बाहर से जब चले जाते हैं तो फिर राधा जी ललिता विशाखा के निकट अपने भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं ना हमारे चंडीदास विद्यापति कीर्तन बहुत सुंदर कहते हैं, सखरी हमी ना हय मन को रे छिलाम, ये बांग्ला कीर्तन में सखी हम तो मान मैं तो मान तो करी ऐसे छिल हरी तारे के न जते दिली, ऐसे छिल हरी हमारे प्राण कांत श्री हरि कृष्ण जो सबके चित्त के मन के हरण करने वाले है, वो तो हरि तो आए थे, उनके जाने क्यों दिया है। ललिता विशाखा कहती है अरे सखी तुमको तो मैंने इतने समय तक मैंने समझाया, जो हो गया है ना, मानो छोड़ दो नहीं तो बाद में क्या होगा, तुम्हें अनुताप करना पड़ेगा। मैंने कहा ना अनुताप कब होता है, पश्चाताप अनुताप होता है भविष्य में, कहते ना मैंने कहा ना भय लज्जा और भूत में जब चले जाएंगे तो तब होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम तो माने ही नहीं है, हम क्या करें। और बेचारे कब तक ये कुंज के बाहर खड़े रहे बताओ, इतने समय तो राधा जी कह रही हैं ऐसे छिला हरी ताती कहने तारी कहने जेते दिली, क्यों जाने क्यों दिया, तुम लोग तो हमारे प्राण के हृदय प्राणेर सखी तुम लोग हो, हमारे हृदय को जानने वाले हैं, प्राणेर सखी तुरा तो तुम लोग तो जानते हो, ऐसे जानबूझ करके क्यों हरि के क्यों जाने दिया। तो ललिता कहती है क्या करूँ आप बताओ, तब फिर राधा जी कह रही है प्रहरी होइया रही तो कुंजरोदारे, राधा जी कह रही है कृष्ण के नहीं जाने के, कृष्ण के कहते चलो आज इस कुंज के तुम क्या बनो, क्या बनोगे, दारपाल बनकर के रहो, इसलिए कहते प्रहरी माने दारपाल, इसलिए कीर्तन बहुत सुंदर है। मैं तो थोड़ा दो चार वो कीर्तन के सुनोगे ना आपके आंखों से आंसू आ जाए, वास्तव जो है राधा जी के हृदय की भक्ति करते जा रहे हैं, ये बहुत लंबा कीर्तन है, इतने सुंदर है।
अरे प्रहारी होइया, रही तो कुंजर धारी। जब तुम तो जानते हो कुछ समय के बाद हमारे ये मान तो समाप्त, मान थोड़ी सख्त में रहता है, हाँ समझे, कुछ समय के बाद तो क्रोध मान, जो से क्रोध कहो मान कहो, वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाएगा, क्यों जाने दे। इसी प्रकार राधा जी भी उसी कथा से कह रहे हैं, चला गया कि कितने श्लोक बताया था, श्री कृष्ण के क्रोध धारण करना था, वह क्रोध भी प्रेम के लिए है, श्री कृष्ण की सुख देने का उद्देश्य जो चेष्टा होते हुए प्रेम है, इस विचार से अनुपम ए अनुरूप तुम वृंदावन के अनुराग युक्त किया कलाप को सेवन अर्थात चिंतन मंथन करो, वे अति अद्भुत तथा अलौकिक है। अभी 67 में आएगा ना, हे सठ, मेरा परित्याग करके तुमने अन्य नायिका के साथ क्यों विहार किया, इस प्रकार की भाषा के द्वारा मैंने बारंबार काम भाव अर्थात उनकी इंद्रिय सुख परिचर्या करने के लिए करने की वासना भाव अभिव्यक्त किया था। श्री कृष्ण भी रति चिन्हांकित अपने श्रीअंग के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। जैसे करें सठो अयम, जब कृष्ण जब आते हैं राधा जी मान, मैंने राधा जी मान दशा में कृष्ण के दूर से देख करके कृष्ण नाम नहीं लेकर के सठयन, वो सठ है सुफल सखा मुपेत, वो सठ जो है वो सुफल सखा है, और हमारे कुंज के पास आ रहे हैं मुझे मनाने के लिए है, ये सखी उनके कह दो है इस कुंज में प्रवेश न करें है, मैं जानता हूँ यहाँ पर हम लोग कोई ये नहीं है, क्या बोले जी, असुर नहीं है, असुरों के मोहित करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके और असुरों के क्या किया, वंचित कर दिया। तो उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं सठ सठो अयम, ये सठ है एक कपल है, मैं समझ गए है, सुबल सखा अमृतम, ये सुबल सखा जो आ रहे हैं स्त्री वेश धारण करके है, इसके आने मत दो, कभी कभी कृष्ण कुछ सखियों के वेश धारण करके राधा जी के मान मनाने की आती है, ब्रज में तो हजारों अनेक कीर्तन है रसकान्य का है, ब्रज में शोर मचाया, क्या शोर मचाया, हाँ ब्रज में शोर मचाया कृष्ण, कृष्ण नाम क्या नाम बोलते हैं, नहीं नहीं माखन नहीं, चूड़ी बेचने आया, हाँ शाम चूड़ी बेचने आया, ब्रज में शोर मचाया है, मनी हरि के भैया शाम नहीं करे, हाँ नहीं नहीं श्याम शब्द नहीं कहेंगे, वो श्याम कृष्ण नाम कर दो मान कैसे होगा, श्याम नहीं कहेंगे, थोड़ा से मनिहारी के बेस बनाया है, उसमें श्याम शब्द जो है वो पैकेट में रहता है तो आखिर में आ जाता है ना, किंतु लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए ब्रज में भी सुंदर सुंदर है, बंगाल में जैसे सुंदर सुंदर ये कीर्तन है, ब्रज में भी देखो कितने सुंदर है, ब्रज में शोर मचाया श्याम मनिहारी के बे मनिहारी के बेस बना, वो कहते नहीं कहता है, तो
तो सारे गोपी इस कथा को सुन गए। तो उस कथा को क्या राधा ने सुनी, ललिता से कही, उस कीर्तन में है ना, राधा जी के कान में पड़ा है। ये आज एक मणिहारी आए हैं, श्याम वर्ण के मणिहारी, ये श्याम शब्द के कृष्ण के लिए नहीं करे, कोई एक काले जो है श्याम वर्ण जो है एक कोई मणिहारी माने बेचने के लिए आए हैं है। और उस समय इस कथा को सुन करके राधा जी स्वयं कर रही है ललिता के, ललिते उस जो है मणिहारी के बुलाओ मैं, और राधा जी के साथ जितने सखी जो कोई कहते हैं मैं ये चूड़ी लूंगी ये चूड़ी लूंगी, उसमें है ना बहुत सुंदर कृतन है, ब्रज में शोर बचाया है स्वयं मणिहारी के बे हाँ, क्या बोले मणिहारी के बेस बनाया, ये शब्द कीर्तन करते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा जी की कह रही है ये भाषा के द्वारा वो सठ सठो अयम, हमारे गोस्वामी जो उसी की भी तो कहते जा रहे हैं है, ये सठ ये सठ है कपड़ है, यहाँ पर कोई असुर यहाँ पर असुर नहीं है, हमें भी पता चला अर्थात पूर्णमासी के मुखारविंद से श्रवण किया, किसी समय समुद्र मंथन के समय राधा जी कह रही हैं कि हम ये पूर्णमासी देवी के मुख से सुना, किसी समय समुद्र मंथन के समय एक तरफ देवता लोक और एक तरफ असुर लोक है, मैनाक पर्वत के उसके मंथन दंड मान करके और वासुकी नाग के जो है मंथन दंड के रज्जु माने रस्सी मान करके वे लोग समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करते करते क्या उठा है अमृत निकला है। हाँ सुनिए, और उस अमृत के पाने के लिए देवता और असुर दोनों ही जो है झपटने लगे, तब उस समय यही जो कृष्ण विष्णु महीने रूप धारण करके वो असुरों को जब वंचित कर दिया, पिलाया नहीं और देवता को दे दिया, तो उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं हम लोग ऐसे कोई नहीं है, यहाँ पर कोई असुर नहीं है, हम लोग को वंचित कर दोगे तुम है। तो इसलिए कह रही हैं ये सुफल सखा मुकेतम, ये सुफल सखा जो है वो आ रहे हैं, इसे कह सकी यहाँ से चले जाए, यहाँ पर कोई महीनी फहनी रूप हम नहीं देखना चाहते है। क्योंकि कृष्ण ब्रज में अनेक और जो है नारी रूप धारण करके स्त्री रूप धारण करके राधा जी के मान मनाने के लिए आती हैं, कभी नाई के रूप में, नाई समझते कि नहीं, नाखून आदि काटने भी काटने के लिए, बाल काटने के लिए ब्यूटी पार्लर उसके रूप में आती है। ये सब कथा गुरुदेव सुनाते थे, मेरा याद है जब हम लोग बरसाना में गहर वन परिक्रमा करते करते जब बिलास कुंज के पास हम आ जा देते थे, वो एक चबूतरा है ना कुआं है चबूतरा है हाँ, मोरगुटी के बाद होते हुए जब हम आगे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर चलते जाते जाते और बिलास कुंज ऊपर जाने के पहले एक सुंदर स्थान है वहीं पर बैठते हैं हाँ, ये सब कथा गुरुदेव सुनाते थे है। आजकल तो बहुत लोग चलो 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 चलो, ना कोई सुनाने वाले ना कोई सुनने वाले हैं, बोले खाली कैसे जल्दी जाए और रोटी चपड़ी खाए हैं, आज बोले बहुत धूप हो गया कथा नहीं होगी और बस, फिर चलते चलते कहाँ चले जाते हैं, बोले चलो हैं दाऊजी मंदिर है ना वो कहाँ, कल महाराज जी बताया ना वो क्या बोले दाऊजी मंदिर, दाऊजी मंदिर में चले जाते हैं ना ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं करते, अरे मधुबन में नहीं, यही जो हम लोग यही गौर वन परिक्रमा करके बिलास कुंज बिलासगढ़ दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ आदि के परिक्रमा करते करते, अरे बरसाना की परिक्रमा करते रहे तुम खाली बोला, अरे वो भांडीर बन बरसाना परिक्रमा के करूँ गहर वन परिक्रमा, दाऊजी के मंदिर नहीं है वहीं पर, उसके नहीं रखा है वहीं पर दाऊजी के एक मंदिर है हैं ऊपर है ना हैं, बहुत बड़ा मंदिर है तो वहीं पर दाऊजी का मंदिर है, हम लोग
वो क्या बोले ई घाट के, फिर तुमको और भी मिला, इसको दर्शन करके चलो, हैं क्या बोले शिव जी मंदिर को दर्शन करके, फिर कहाँ जाते हैं राधा जी के मंदिर दर्शन करके कहाँ जाते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर पीली भूमि पर बैठते हैं, हैं पीली पकुर पर बैठते हैं, वहाँ पर कुछ कथा हो रही कथा हो जाते हैं, फिर हम लोग पैदल पैदल चलते चलते वो जमीन के प्रदेश वो पहले पड़ता है क्या, वो दाजी मंदिर पड़ता है, हैं भूल गया सब तुम लोग, हैं है जमीन होती है खेती होती है चलती चलती है ना, जैसे कि फिर दाऊ जी के मंदिर पर वहाँ पर तो हरी कथा नहीं होते हैं, फिर दाऊ जी मंदिर दर्शन करके हमारे ऊंचा गांव में चले माने इसमें चले जाते हैं, अच्छा ललिता क्या बोले क्या बोले ऊंचा जो गांव जो है जो यहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पर हरी कथा नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत कभी हरी कथा होती है, हैं कभी कभी तो अंग्रेजी में करते हैं, कोई हिंदी में करते हैं, बंगला करते हैं, थोड़ा हो गया बोले चलो जाकर फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर विलास क्या बोले यहीं पर प्रसाद ले लेते हैं ना, हैं देहकुंड में प्रसाद लेते हैं, यह देहकुंड की कथा उधार की कथा है, कहाँ की कथा है, वो विलासगढ़ की कथा है वहाँ पर, हैं आज समझ में, जब हम गौहरवन फिर आपके इलाज दिया दूँ, गौहरवन मानगढ़ आदि पनके जब विलासगढ़ में आ जाता है ऊँचे यहाँ पर, वहाँ पर एक ब्राह्मण है की कथा सुनाते हैं ना, जिसके बेटी के शादी के लिए है कहते हैं ना कुछ कथा जो है कृष्ण के पास आते हैं मुझे कुछ धन दिलाओ है, तो उस समय जो उसमें आप देखोगे ना वो झूला लगा हुआ है याद है, विलास बिहारी है ना वहाँ पर जो है तो कहते हैं जो हमें कुछ धन दिलाओ, वो ब्राह्मण कर्ण वो धन बोले सबसे धन क्या है, बोले राधा जी के ले लो, कर दो बोले एक तो मेरा एक लड़की है उसके शादी करानी पड़े तो राधा जी लेके फिर क्या शादी कराएंगे कहाँ से है, फिर उनको धन दिया कृष्ण ने वो विलास लड़के, फिर वो एक मंदिर है उसके पार करके हम जाते हैं वो क्या बोले एक मंदिर में प्रवेश करते हैं ना बहुत विशाल मंदिर जो है, है? नहीं उसके बाद ही हम चले जाते हैं आगे श्री जी मंदिर के दर्शन करते हैं, है श्री जी मंदिर दर्शन के बाद पीली पुखुर दर्शन करके हम चले जाए ऊंचा गांव के दर्शन करके फिर वो देहकुंडे में आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग प्रसाद दोपहर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, है मेरे कहने की तात्पर्य यह है गुरुदेव जो कथा कहाँ पर बोलते थे, ये गौहरवन परिक्रमा करते करते दानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ और क्या गढ़ रह गया दानगढ़, ये दान दिए देते हैं साकरीखोर दानगढ़, फिर आ गया हाँ मोरकुटुर की कथा सुनते हैं आप लोग, और पास में मानगढ़ फिर विलासगढ़ वही होता है, इसके वही कथा ही है उसी प्रकार में, इसलिए उस समय गुरुदेव ये समस्त कथा बताते थे, ये कभी कभी कृष्ण है अनेक रूप धारण करके राधा जी को मान मनाने के लिए आते थे, हैं कभी नाई के रूप में, कभी मनिहारी के रूप में, कोई फूल बेचने वाली के रूप में, हैं अच्छा जिसको कहते हैं माला कहते हैं मालिहारी नहीं ना क्या बोलते हैं है? माला बेचने वाली है माली के रूप मालिनी के रूप में आती हैं स्त्री है ना वो करती रहती है, हैं उसकी कथा भी बहुत सुंदर है आ समझे तो अरे सब माली है माली कौन है सब क्या है माला गुथने वाले के माली कहा जाता है तेल बीजने के बाद वाले के तेली कहा जाता है, जूता बजने के बाद के क्या बोलते हैं थोड़ी वो चमार है ब्राह्मण लोग भी बंगाल में ब्राह्मण लोग भी जूता बेचते हैं उसके चमार थोड़ी खाता है ये तो उसके जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार उसके नाम दिया जाता है चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग जो जैसे कर्म करते हैं उसके कर्म के उनसे नाम दे देते हैं, चलो आगे की कथा सुनो।
तो उसी प्रकार यहीं पर करके अर्थात प्रेम की सुख युक्त, ये प्रेम के सुख में व्यक्त करना उचित नहीं है। हाँ, कौन सा नंबर कह रहे थे फिर? 67। हाँ, भाषण अधिक क्या था, कृष्ण भी रुचि चिन्ह तो अपने अंगों के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। अंत में कृष्ण अपने दोष स्वीकार करते हैं, जैसे कहा था कृष्ण पहले दोष स्वीकार करना नहीं चाहते थे, ये मैं दूसरे कुंजे में चले गए। राधा जी कहती, अच्छा तुम्हारे बताओ ये तुम्हारे माथे में ये सिंदूर के चिन्ह कहाँ से आ गया? बोले सिंदूर नहीं है, हे राधे तुम्हारे चिंतन करते करते मैं आ गया, अंत में गिर गया, गिर जाने से जमुना की लाल मिट्टी मेरा यहाँ पर ला गया, ये तुम सिंदूर करो ये सिंदूर नहीं है। अच्छा ये तो कह दिया, अच्छा बताओ तुम्हारे अंग में जो नाखून के चिन्ह जो दिखाई पड़ रहे हैं लाल लाल आवाज दे, ये कहाँ से आ गया? तो उस समय कृष्ण कहते, ये नाखून के चिन्ह नहीं है भाई, क्यों हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो? जो देखो मैं जब गिर गया ना, वो एक कांटे के झाड़ था, कांटे के जो है, और वो कांटे लग करके उससे वो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। राधा जी हैं, वाह बहुत सुंदर तुमने बता दिया है, आ समझे? चोर के जब पुलिस पकड़ लेते हैं चोर को भी कहेंगे मैं चोरी किया, वो कहें मैंने ही चोरी नहीं किया है, मैंने की कुछ किया ही नहीं है। चोर जब पुलिस जब चोर के पिटाई करते हैं तब भी वो मानना नहीं चाहते हैं, है? आ समझे? बोले नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है। और फिर अंत में जब ये देते हैं जो पिटाई करते हैं और भी करते हैं तब वो स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण भी उसी प्रकार पहले स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये लाल मिट्टी लग गया वो क्या बोले कांटे के झाड़ में पर गिर गया और ये हो गया वो हो गया, अनेकों कथा को बताते रहे। किंतु राधा आदि गोपियाँ श्रीमती राधिका समझ जाती है। तो अंत में कृष्ण अपने अपराध के जो है स्वीकार करते, अर्थात अपना दोष स्वीकार किया था। ये सखी इसका कारण है कि प्रेम रूपी प्रदीप रसिक नायक तथा रसिका नायक के दोनों ही हृदय रूप गुहा को प्रकाशित करता रहता हुआ है, जिस भाव से विराजित रहता है। देखो राधा जी फिर वो देवांगना के कारी हैं। देखो प्रेम ऐसे मानो एक प्रदीप के समान है, दीपक के समान है, हैं? और रसिक नायक नायिका की दोनों के हृदय रूपी गुफा में प्रकाशित रहता हुआ है, स्थिर भाव से विराजित रहता है, किंतु यदि मुख रूपी दार से बाहर निकलता है तो शीघ्र ही प्रदीप बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त होता है। राधा जी फिर करें, प्रेम ऐसे एक वस्तु है उसके मुख के द्वारा प्रकाश करना नहीं चाहिए, जो प्रकाश कर देते हैं तो प्रेम नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रेम की वो लघुता हो जाता है, लघुता में ह्रास हो जाता है, है? आई लव यू जब कहते हैं तो समझना चाहिए वास्तव रूप में उसके प्रेम क्या हो गया, लघुता हो गया माने ह्रास हो जाता है, अथवा वो प्रेम क्या हो जाता है, है? नष्ट हो जाता है। मेरे जीवन की मैंने अनेक अनुभूत की करके देखा, जो जदा तदा देख करके लंबा दंडवत करते ना, मैं समझ जाता हूँ ये अधिक दिन ये ठीक है गाने कि वो देखावटी कर रहे हैं। उतना ही करो ये ठीक है, गुरु वैष्णव के प्रणाम करना है। अच्छा एक बार तुमने साष्टांग दंडवत कर लिया, साष्टांग पूरा चल जाएगा दंड के बाद, क्यों जब बार बार करोगे तुम्हारा तो भाव आए, शास्त्र में तो लिखा है ये गुरु के देख करके साष्टांग दंडवत करो। वो किस स्थिति में, जब यू कंप्लीटली अनकंडीशनल सरेंडर, जब नहीं हो रहे है और ठीक है एक बार दो बार किया, बार बार जब जब देखा करते हो तब समझना चाहिए इसमें कुछ
दाल में काला है, समझ में? आप देखना, आप किसके प्रति, मैं तो आपके कहा दिया है किंतु अनुभव करके देखो। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गुरुदेव के सत्संग दंडवत मत प्रणाम मत करो, करो किंतु एक सीमा के अंदर रहने के लिए करो। और जो सीमा के अधिक दिखाते रहते हैं, मैं गुरुदेव की कितना प्रीति करता हूँ, कितना श्रद्धा रखता हूँ, तो समझना चाहिए कुछ दाल में काला है। अति भक्ति चोरे लक्षण, हाँ अति भक्ति चोरे, हिंदी में होगा शायद कुछ, क्या है नहीं पता होगा, है सब भाषा में तो होगा कोई, हैं उतना ही करो ठीक है। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही कहते थे, एक बार दो बार देखा दिन में, एक बार देखा दो बार देखा उसको साष्टांग दंडवत करते हुए, तीसरी बार यदि देखा मेरे गुरुदेव उसके कान कहते कब तक रहोगे मन में, गुरुदेव डायरेक्ट बोल देते थे। मतलब क्या है, अति भक्ति चलो उतना ही भक्ति करो ठीक है, तुम्हारे अधिकार के अनुसार। ये नहीं कर रहे तुम गुरुदेव के बाप विष्णु के देख करके साष्टांग दंड पर प्रणाम मत करो, हम ये नहीं कह रहे, ये अपराध हो जाएगा, किंतु उतना ही करो, तुम्हारे अपने बैलेंस के रखो है। अच्छा हाँ, उसी प्रकार प्रेम जो है एक नायक नायिक के हृदय में वो कैसे रहता है, प्रज्वलित है दीपक की भांति रहता है, एक दूसरे के हृदय को जो है वो स्वाभाविक रूप में वो क्या करता है प्रकाशित करता रहता है, इसलिए यहाँ पर भी करे। किंतु यदि मुख रूपी दार से बाहर निकलता है तो वह शीघ्र ही वह प्रदीप बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात यदि प्रेम, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ इस प्रकार की वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होता है, तब वो प्रेम अधिक रह नहीं सकता और रहने पर भी उसका परिणाम के परिमाण कम हो जाता है। वही कथा के पुनः कारण नहीं, नहीं बार बार बोलने से वो हो जाता है, वही तो जड़ प्रेम हो जाता है ना, ये विदेश में ज़्यादातर होता है, हैं जब तक बोले एक मैं विदेश में जा नहीं लगा दूँ, बोले बोले मेरा पत्नी के प्रातःकाल में उठ करके यदि कम से कम तीन बार नहीं कहा आई लव यू वो प्रसन्न नहीं हूँ, हैं आई लव यू, और इसके बाद दो एक साल के बाद लव फिनिश बोलो वृंदावन बिहारी लाल, ये विदेश में ज़्यादातर होता है सब, हमारे इधर होता है कि नहीं होता है, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, मैं तो कभी है अच्छा यहाँ पर भी कह रहे हैं। अच्छा यदि तो यदि को अच्छा यदि प्रेम यदि मुख में प्रकाशित नहीं करो तो कैसे हम समझेंगे उसके एक दूसरे का प्रेम है, संग राधा जी कह रही हैं, देवांगना के कह रही हैं, यदि को ये ठीक है आपने तो कहा दिया ये प्रेम कभी मुख से प्रकाश करना नहीं चाहिए, वो प्रेम जो है वो साहू रूप में आचरण के तरह प्रकाशित होता है, आचरण के द्वारा ही प्रेम प्रकाशित होता है, प्रेम कहना नहीं पड़ता है जे हम तुम्हारे प्रेम करते, प्रेम के आचरण में ही वो प्रकाशित हो जाता है, जैसे आप बच्चा को प्रेम करते हो, बाजार में गए देखो कोई अच्छा चीज़ देखा ना है, आप अपने बच्चा के लिए खरीद करके लाते हो, जिससे हमारे फिर हमारे आचार्यपाद भी उदाहरण दे रहे हैं, कई बार भी मैं उदाहरण दिया इसमें है ये कथा में बा माधुर्य एकादशी ग्रंथ में मिलेगा आपको विश्वनाथ ग्रंथ में, जैसे कि भोजन ललुप मित्र लंपट भोजन जिसको कहा जाता है, मैंने भोजन में रख के मैंने खाने में साथ रखने वाले, वो कोई अपने मित्र के घर में गए, उसके मित्र जानते हैं ये मेरा जो मित्र जो है
बहुत भोजन लंपट है। भोजन लंपट माने खाने में जो है, हम इस मित्र के साथ प्रेम करते हैं, तो जब मित्र आए हैं तो वो क्या कि अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री जो है बाजार से मिठाइयाँ अनेक लेकर के आए, वो मित्र ऊपर से देख करके, वो भजन लंपट जो मित्र देख करके संकोच हो करते हैं, कहते क्या ये मेरे लिए लाए हैं। तब उसके मित्र कहते हैं नहीं नहीं, अरे जानते हो आज मेरा ठाकुर के जन्म नक्षत्र है, बात जन्मतिथि है, ठाकुर जी का आज प्रतिष्ठा दिवस है, तो आपके लिए नहीं लाए हूँ ये बात नहीं कहेंगे है, ये आप आए हैं, ये तो आप अचानक आए गया, किंतु मेरा मन में पहले से ये विचार था आज मैं ठाकुर जी के ये भोजन जो है अलग, किंतु वास्तव में नहीं था। यदि कह दे जी हाँ हाँ आप तो अच्छा भजन करते ना, इसके लिए आपके लिए मैं ही लाया, तो वो भोजन लंपट मित्र जो है वो संकुचित हो जाएंगे, उसके मन में दुख होगा है। इसलिए वो ये बात नहीं कहेगी। प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, वो क्या, वो परोक्ष रूप में ही रहता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताते हैं। वास्तव वो जो व्यक्ति जो ठाकुर जी के आज जो लाया भाई भोग लगाया ठाकुर जी के जो है, लाया किस लिए, उसे अपने मित्र के लिए, ना कोई ठाकुर जी के आज वो वर्षगांठ था ना कुछ था, किंतु तथापि अपने मित्र के कभी ये बात नहीं कहेंगे है। ऐसा ये समस्त रास पंचोध्याय में कृष्ण गोपियों के साथ ये समस्त कथा जो है वार्तालाप है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है उसमें, उसी प्रकार कह रहे हैं। अच्छा जी बताओ जो कैसे समझेंगे जो उनके साथ हमारे प्रेम है प्रीति है, तब तो राधा जी का देखो हृदय रूपी गृह के बीच स्थित इस प्रेम प्रदीप की कांति व छटा प्रेमिक परिक्रमा के नेत्र रूपी झरोख से बाहर निकालकर अधर ओष्ठ गंड कपोल ललाट अथवा बक्षस्थल की उत्तम रूप से उद्दीप्त कर देता है। समझ में आया, प्रेम जिसके जिस हृदय में होता है उसके प्रियजन के देखते ही उनके आंखों की तरलता आ जाएगा, माने आंख की आनंद आ जाएगा, वो आंख देखने से पता चलता है। हाँ समझे, जिसके साथ आप प्रेम है उसके देखते ही आपके हृदय आनंद में भर जाएगा। आज हमारे प्रेमिक जन आए हैं वो श्लोक में बताता हूँ ना कभी कभी, क्या बोले, मुखं प्रसन्नं गदगद च वाणी कथानुरागो, मुखं प्रसन्न देखते ही उनके चित्त प्रसन्न हो जाए, आज हमारे प्रिय मित्र आए हैं हमारे घर में है। मुखं प्रसंगं गदगद च वाणी कथानुराग, उनकी कथा उनके साथ बोलने के साथ से उनके इतने गदगद हो जाता है, उनके बारे में और कुछ बताऊं और कुछ बताऊं है। जैसे कहते हैं मित्र आप कहाँ से आए हैं है, क्या आप सब कुशल है, जिसको आप जानते नहीं हैं है, वो भी टेढ़ामुख होकर उधर चले गए, वो भी टेढ़ामुख होकर चले गए। जैसे परसों आए थे ना दो रशियन लड़का एक लड़की आई, हम लोग भजन के यहाँ पर भी मैं साक्षर में इसको मैं अनुभव कर रहा हूँ है, तो यहाँ पर भी लाइट भी बंद है, देखा वो नीचे से आया और इधर आकर के सद्य परम गुरु महाराज के माने गुरुदेव के प्रणाम किया, मंदिर तो बंद हो गया, और उधर एक फेर लगाया और ना किसके पूछा ना कुछ, कम से कम बोलते हम तो कहते भाई एक सेकंड भी रुके नहीं, यदि हम होते भाई तुम कहाँ से उधर प्रसाद पार ले करके जब मंदिर में जब आए हैं है, हम गुरुदेव के नियम था बोले कुत्ते भी आ जाए उसके भी प्रसाद के लिए दो, किंतु वो दोनों मैंने देखा कैसे एक सेकंड भी वो न रुके हैं न किसी वैष्णव के पूछा है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, जहाँ से आया हमें तो थोड़ा थोड़ा अनुमान कर लेते, किंतु अनुमान प्रमाण नहीं, भ्रम प्रमाण करना पड़ा दोष होने के नाते हम अनुमान के नहीं करते, तो तथापि हमारे अनुमान है वो कहाँ से आए हैं, और इधर प्रणाम करके बिल्कुल है दोनों जो है नीचे उतर गए, फिर है वो चला गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अरे कम से कम तो कोई आए हैं है जी महाराज,
कम से कम वैष्णव के प्रणाम तो करें, है माधव महाराज वहीं पर बैठे हुए थे, मैं इधर पर खड़े हुए थे, न किसी के प्रणाम किया न किसी के पूछा, और उनके बदन कमल जो था बिल्कुल जो है, है? कैसे था, न चंद्रग्रहण के भांति था। चंद्रग्रहण जानते हो कि नहीं? है? तो ये क्या है, मैंने उसके साथ मैंने कहा प्रेम नहीं है, है? किंतु यदि किसी का प्रेम हो वो तो कहेंगे, है? पूछेंगे। इसलिए कह रहे हैं मुखम प्रसन्नम गदगद च वाणी कथानुराग संभ्रम च दृष्टि, है? अत्यंत संभ्रम के दृष्टि करें कहीं हमारे प्रेम को कोई ना जान ले, दृष्टि भी उसी पर। इसलिए शास्त्र में लिखा ये श्लोक, यद्यपि नीति शास्त्र के श्लोक कहा गया है, समझ? चलो ये पर कह रहे हैं, इसलिए राधा जी कह रहे हैं व्यक्ति को प्रेम की जो है वो जो छटा जो है, जो प्रियतम प्रियतम के हृदय गुफा में जो प्रज्वलित दीपक की भांति रह रहे हैं, वो कैसे ना उनके गंड अर्थात कपोल ललाट वक्षस्थल की उत्तम रूप से भी प्रदीप्त कर देता है, आंखों की झोर की बाहर वो निकाल करके आते हैं, आंख देखने से पता चल जाता है ना, है? मुखमंडल देखिए, इसलिए शास्त्र में इंग्लिश में क्या गया, फेस इज द इंडिकेट ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में क्या चिंतन धर्म है वो अपने आप तुम्हारे मुखमंडल में वो प्रतिफलित होगा। हमारे मुखमंडल क्या है, एक मानो दर्पण की भांति है, है? ठीक उसी प्रकार राधा जी तो यही कह रहे हैं, अर्थात प्रेम को मुख से व्यक्त करना उचित नहीं है, राधा जी कह रहे हैं, है? उससे प्रेम छीन हो जाता है, किंतु व्यक्त न करने पर भी प्रेमिक जन के निकट वह अप्रकाशित नहीं रह पाता है। हृदय में प्रेम का आविर्भाव होने पर चक्षु कपोल अधर ललाट प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे पेड़ सूख गया, सूखते जा रहे हैं, है? बिल्कुल ऐसे सूख गए। यदि पेड़ में पानी दे दिया जाए कुछ समय के बाद, एक घंटे दो घंटे चार घंटे के बाद, देखना वो पेड़ के सारे पत्ता कैसे हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार प्रेम एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव प्रकाश होता है, है? बोलना नहीं पड़ेंगे, जरूरत नहीं है, है? समय हो गया, चलो आज तो खाली माठ है, है? माने वो दोनों ही नहीं है, क्या बोले हमारे माधव महाराज जी नहीं है और उपसभापति भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, निश्चय कुमार जी ने दोनों पाठ करते थे ना। चलो अब थोड़ा दो पाँच मिनट बंद करके फिर आज करेंगे, किंतु इसमें करें कांते न किंतु वह रमणी वल्लभ कांत श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, हे प्रिय तुम्हें मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, एकमात्र तुम्हें ही मेरी प्राण हो, इस प्रकार वाणी के द्वारा वे प्रेम के निरंतर प्रकट करते रहते हैं, परंतु उससे उनके संबंध में प्रेम कभी क्षीण नहीं होता। ये कृष्ण के लिए प्रयोज्य है, जैसे पहले कहा दिया यदि कहो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, उसमें प्रेम क्षीण हो जाता है, किंतु कृष्ण यदि कहें वो प्रेम क्षीण नहीं होता है, क्यों? कृष्ण स्वयं भगवान है, कहीं की जो शब्द जो है वो विपरीत होता है, समझ में आया? क्यों कृष्ण ने कहा नहीं न प्रायः निर्बद्धम संयम स्वसाध, ये बात में तो राधा जी के लिए कर रही है, इसलिए कृष्ण के कहना ये सत्य है, और उसमें प्रेम क्षय नहीं होता है, क्यों? न कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण वक्त वस्तु भी चले जाए वो क्या रहता है, पूर्ण ही रहता है, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट। जो कृष्ण यदि कहें जो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, है वो प्रेम छीन नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, क्यों? कृष्ण पूर्ण है, वो प्रेम
इसके भी तत्व सिद्धांत राधा जी दे रहे हैं है? कि पहले तो कहा दिया ये प्रेम मोह से करने पर प्रेम छीन हो जाता है, ये साधारण लोगों के लिए है किंतु कृष्ण के लिए नहीं, इसलिए राधा जी कह रही हैं। परंतु उसके संबंध में प्रेम कभी छीन नहीं होता, उसका कारण है कि केवल मात्र मिथ्या वचन के प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का एक स्वभाव भी होता है, है? कृष्ण के दो स्वभाव एक साथ में ही रहता है, एक मिथ्या कहना एक सत्य कहना, ये दोनों स्वभाव एक साथ में ही रहता है, है? कृष्ण जैसे कभी किसी सखी को देखे, देखो हे सखी तुम जैसे मेरे प्यारी हो और कहीं नहीं है। अच्छा ये जो कहा कृष्ण ये क्या है, छल है, कपट है। फिर वही कथा को राधा जी के कह रही है, हे राधे तुम जैसे मेरे प्यारी हो और कहीं नहीं है, ये सत्य है। ये कृष्ण के दोनों ही एक ही शब्द कृष्ण के कहां पर सत्य और कहां पर छल कपटता ये समझना चाहिए। इसलिए हमारे परम गुरु महाराज कहते थे ये देखो महाभागवत की उत्तम भागवत की है और नहीं है ये समझना बहुत कठिन होता है, है? यस और नो, ये दोनों शब्द जो है समझना बहुत कठिन है। जैसे गोरखदास बाबा जी महाराज कहने लगे कलकत्ता में मंदिर मत बनाओ, नेगेटिव कह दिया मत बनाओ, बनाने के लिए मना कर दो, कलि के स्थान है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद मठ बनाए तो कहाँ मठ बनाए, है? कलकत्ता में बग बाजार में मठ बनाए, है? क्योंकि महाभागवत की ऐसे स्थिति होते हैं वो उसके भाग को समझना पड़ता है। कौन समझेंगे, जो उनके अंतरंग जन है, है? आज में नहीं तो उनके है और नहीं है ये समझना समझ नहीं पाओगे। इसलिए कृष्ण के लिए जो कार्य हैं ये मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ करता हूँ है वो दूसरे सखी ये कपड़ता है, किंतु राधा जी के लिए जो कहते हैं राधा जी के लिए जो कह रही हैं कृष्ण ये वास्तव रूप में तुम्हारे साथ मैं प्रेम करता हूँ ये कपड़ता नहीं है। यही तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखा रहे हैं, न पारायण निर्बद्धम संजन ससाधु कृत विबुध सापि व जाम दुर्जन गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। ये राधा ये श्लोक जो है ये राधा जी के लिए कहा गया, दूसरे चंद्रावली अथवा और कोई सखी के लिए नहीं है, ये सत्य है। तो ये मुँह में निकल करके आ गया कि नहीं प्रेम, ये मैं तुम्हारे साथ जो प्रेम जी करती हूँ करता हूँ ये सत्य है, इससे प्रेम छीन नहीं होता है। क्यों न कृष्ण भगवान होने के नाते, भगवान तो नष्ट नहीं होते उनके, इसलिए भगवान होने के नाते यदि कहो ये लॉजिक के अनुसार ये प्रेम कहने से निकल जाता है तो भगवान में तो क्या होता है ना, पूर्ण ही रहता है, पूर्ण पूर्ण मिदम पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण ही होता ही है, वो नष्ट नहीं है। पूर्ण पूर्ण मिदम पूर्ण माधव पूर्ण पूर्ण एव है, पूर्ण उच्चित पूर्ण ही रहता है वो, है? चलो इसलिए कह रहे हैं जे कृष्ण केवल मात्र मिथ्या प्रवचनों के ये वचनों के प्रयोग करना ही कृष्ण का एक स्वभाव है, यह स्वभाव जवनिका के माने पद के समान, जवनिका के अर्थात पद के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करा देते हैं। जवनिका माने पर्दा, जैसे आप लोग नाटक में देखा ना है, एक सीन हो जाता है, एक सीन जब सीन हो गया नाटक के जो सीन होते हैं एक पर्दा डाल देते हैं, क्यों ना अभी जो दूसरी कोई कुछ जो है पद दिखाना है। यात्रा थिएटर दर्शन किया कभी, ये पर्दा आप देखे ना है, दिखाते हैं ये तो ठाकुर जी के रहते थे, चलो भोग लगा रहे हैं किसी के दिन बाप बिहारी जी के मंदिर को ऐसे पर्दा खींच देते हैं फिर खोल देते हैं, किंतु नाटक में आप भी देखोगे कभी कभी है, मंच में जो नाटक जो होता है जब रामलीला दिखाते ना
चलो ये विरह की लीला हो गया, फिर आगे की लीला दिखाना है, है तो वो पर्दा खींच देते हैं, उसके कहा जाता है जवनिका कहा जाता है, है इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं जवनिका के शब्द इतने कहते हैं पद पद के समान प्रेम को आच्छादित करके करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करता है, अर्थात श्री कृष्ण की जो समस्त उक्तियाँ मिथ्या रूप में प्रतिपन्न हुई है को उसके कमुकता ही प्रकाशित होता है। अन्नप्रेषी के मानिनी होने पर श्री कृष्ण उसने भी कहते हैं, जब कोई सखी जब मानिनी हो जाती है तब कृष्ण उसके निकट भी यही बात कहते हैं, है और ये प्रियतम प्रियतमे एकमात्र तुम्हारे के प्रति ही मेरा अतुलनीय अनुराग है, तुम्हारे अलावा अन्य रमणी के क्या कभी मैं कभी भी मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करने के समर्थ हो सकते हैं। और जब भी श्री कृष्ण के संग अंग में अन्य नायिका को संभोग चिन्ह देखकर खंडिता होती है खंडिता होती हूँ, तब उस अवस्था में वे भी मेरे साथ ऐसे बात करते रहते हैं, है जो आठ प्रकार के नायिका जो है उसमें एक नायिका के नाम क्या बता रहे हैं, खंडिता नायिका जो होता है, अर्थात अपने प्रियजन के जो है सम्मुख चिन्ह देख करके है जो हृदय में जो ईर्षा आदि उत्पन्न होता है उस समय श्री कृष्ण मेरे मुख और नयन को सौंदर्य अतुलनीय लावण्य तथा माधुर्य का वर्णन करते हुए मेरे साथ विहार करने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर मेरे भी वही बात कहते हैं, तुम ही मेरे प्राण हो इत्यादि वचनों के द्वारा प्रेम का प्रकाश न करके काम भाव का भी प्रकाश करते हैं। यहाँ पर सबसे एक बात याद रखना चाहिए है याद रखना चाहिए प्रेम व गोपा रामानाम कामई व मित्त भी धीयते है, ये गोपियों की जो प्रेम जो है वही यथार्थ तो जो है विशुद्ध निर्मल काम है। उद्भवादयो वांछन्ति उद्धव आदि व नारद आदि बड़े बड़े है उच्चकटि के संत महात्मा वही काम अथवा प्रेम के है आकांक्षा करते हैं प्रार्थना करते हैं वो प्रेम हमारे हृदय में उदित हो। यदि ये प्रेम जड़ जगत के भांति ससुख वासनामय और कदर्ज होते कदर्ज समझते हो कदर्ज माने अत्यंत घृण्य होते है तब तो उद्धव आदि ऐसे भक्त लोग आकांक्षा नहीं करते, अथवा आसन्न मरणापन्न सुखदेव परीक्षित महाराज के निकट है सुखदेव गोसाईपाद इस प्रेम की कथा भी नहीं बोलते। एक व्यक्ति मरने के लिए जा रहे हैं है कोई उसके पास जाकर के क्या काम शास्त्र पाठ कराएंगे आप ही बताओ, वो तो मूर्ख लोग कहे है उनके पास क्या पढ़ाएंगे, गीता की पाठ करो है आया समझ में, गीता की विश्वरूप दर्शन की पाठ कराओ है विश्वरूप दर्शन पाठ कराओ है। कोई व्यक्ति मरने के लिए अब जा रहे हैं उसके निकट, अथवा बारह द्वादश अध्याय भक्ति के बारे में पाठ करो, गीता पाठ करो बस सीधी बात है, गीता की कौन सा पाठ करो ये समस्त अध्याय को पाठ कराओ है विश्वरूप दर्शन की पाठ कराओ है वो क्या एकादश अध्याय में होगा सर है गीता की जो है अथवा त्रयोदश अध्याय है अथवा अष्टादश अध्याय अठारह अध्याय जो गीता की जो कथा जो है उसको नियुक्त पाठ कराओ। कोई ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति है एक व्यक्ति मरने वाले हैं डॉक्टर ने कह दिया ये दो चार घंटे पर मर जाएगा है आप जो करना है करो, थोड़ा उसका अभी तो ज्ञान भी है सांस भी चल रहे हैं उसके निकट क्या ग्रंथ पाठ कराओगे, ब्राह्मण के भाई इसके गीता पाठ कराओ भागवत की कथा सुनाओ क्या जी पाठ कराओ हाँ है कोई व्यक्ति ऐसे कहेंगे जो व्यासदेव के जो काम शास्त्र के पाठ कराओ
ये तो मूर्ख की बात हो जाए, समझे नहीं मेरे कहने की। ठीक उसी प्रकार राधा जी भी कह रहे, इत्यादि बचने के द्वारा प्रेम का प्रकाश न करके वास्तव काम की प्रकाश होता है। इसलिए मैंने कहा था जहाँ जहाँ पर ये पर काम शब्द होते जा रहे हैं उसको समझना चाहिए, ये सब अपराकृत दिव्य काम की कहा जाता है। काम शब्द के अर्थ होता है, कम धातु से काम शब्द निकले हैं, कम धातु के शब्द के अर्थ होता है वासना। क्या वासना? कृष्ण सेवा वासना। जैसे हम लोग जाते हैं काम्ब वन में जाते हैं, ये काम्ब वन नाम की तात्पर्य उसी प्रकार है। कम धातु से जहाँ पर समस्त प्रकार की कृष्ण की कामना वासना वहाँ पर पूर्ति हुई है, इसलिए नाम ही रख दिया काम्ब वन है, कम धातु से है। किंतु हे सखी प्रियतमा, यदि विरह रूप अग्नि पुंज से अत्यधिक संतप्त होती है तथा यदि उनका गंभीर रूप समुद्र उत्कंठा के द्वारा एक गुंडूस व चुल्लू में ही पी लिया जाए, अर्थात उत्कंठा के द्वारा अति उसका गंभीर जो लुप्त होता है, तब वह भी प्रियतमा वाणी के द्वारा अपने प्रेम के प्रकाशित कर देते हैं। प्रेम में और एक वस्तु यहाँ पर राधा जी कह रही हैं, वो गंभीरता नहीं रहता। गंभीरता किसको कहा जाता है? सीरियसनेस है। रामचंद्र में गंभीरता रहता है, क्यों? मैं भगवत हूँ। जहाँ जहाँ पर भगवत्ता रहेगा है वहीं पर गंभीरता व सीरियसनेस रहेगा वो है। और भगवान कृष्ण में प्रेम में क्या दिखा रहे? धीर ललित नायक में परिहास पटु निश्चिंतता है। यह पूरी परिहास पटु और गंभीरता एक साथ में नहीं रह सकता है, है? ये विपरीत शब्द है। रामचंद्र परिहास बहुत कम करते हैं, है? अधिक रूप में अपने राजा होने के नाते है गंभीर होकर के रहते हैं, मर्यादा में स्थित होता है। किंतु कृष्ण राज को क्या होते हैं? राजपुत्र होने के नाते है क्या शब्द बताया है? इसलिए कृष्ण में यही रहता है परिहास पटु है। किसके साथ कैसे परिहास करना है वो रहते हैं, हृदय सदा सर्वदा खुले रहते हैं है। आसन गंभीर जता की वो प्रकाश नहीं करते है। देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं, कहाँ गए बाबा? नहीं, गंभीर जत के प्रकाश में सीरियस। सीरियस किसको कहा जाता है? कि तुमने ये किया हमारे अच्छा नहीं लग रहा है, है? अच्छा सुनो, यहाँ पर भी कह रहे हैं ये प्रेम का प्रकाश करने के वो काम भावी प्रकाश होते हैं, यह तुम भी मेरे हाँ। इसलिए कहते हैं गंभीर जो समुद्र उत्कंठा के द्वारा है प्रियतमा यदि विरह रूप अग्नि पुंज से अत्यधिक संतप्त होते हैं तथा यदि उनका गंभीर समुद्र उत्कंठा से के द्वारा गुंडुस चुल से भी पी लिया जाए, अर्थात उत्कंठ के द्वारा उनकी गंभीर जो लुप्त हो जाता है। जैसे समुद्र गंभीरता धारण कर लेते हैं, किंतु जब हवा चलती है उनकी लहरियाँ हैं उड़ती रहती है। समुद्र भी कुछ समय के लिए 2-4 सेकंड के लिए आप देखो स्थिर गंभीर हो गया, और फिर जब हवा चलने लगे है वो समुद्र के बड़े बड़े उत्ताल तरंग आकर के गंभीर जता को लुप्त करके बाढ़ ढक देते हैं, और समुद्र के क्या बोले तट देश में आकर के वो प्रभावित करते रहते हैं है। क्योंकि कहने की तात्पर्य है कृष्ण भी गंभीर जता है। कृष्ण में 64 प्रकार गुण में एक गुण उसमें गंभीर जता है कि नहीं? सीरियसनेस है।
किंतु वो सीरियसनेस क्या होता है ना, राधादी गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र के तरंग की लहरियों से, तरंग रूपी वो लहर से वो क्या गंभीर जाता, क्या होता है वो ढक जाता है, कभार हो जाता है, वो उसमें भी वो गंभीर जाता कहाँ चले जाते, इसलिए कहते हैं वो गुंडस चुल्लू के भांति पी जाते हैं, अर्थात उत्कंठ के द्वारा ही उसका गंभीर जता लुप्त हो जाता है, इतने उत्कंठा होती है, तो यही उत्कंठा क्या करते हैं ना, गंभीरता के वो लुप्त कर दे, ढक देते हैं, ऐसा तब वही प्रियतमा वाणी के द्वारा अपने प्रेम प्रकाश कर देते हैं, उस समय वो प्रेम में प्रकाश करते हैं, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में भी यह पर भी प्रकाश करते हैं, जत्ते सुजात चरणाम्बुजरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमिह कर्करेषु तेना अटवी अटसी तद्वत्ते न किं स्थितं कुर्पुदाभि भ्रमति धि भवदायुषानु, अर्थात हे प्रियतम तुम्हारे जिस अति सुकमल चरण कमल को हम धीरे धीरे अर्थात डरती हुई अपने कर्कश तनु के ऊपर धारण करती है, उसी सुकुमार चरण कमल के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण करते हो, क्या तुम्हारे चरण कमल में सूक्ष्म कंकड़ पत्थर अथवा पाषाण आदि के द्वारा व्यथित व पीड़ा नहीं होते। गोपियाँ मनी मन ये चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण की चरण कमल की इतने सुंदर जो चरण कमल, गोपियाँ चिंतन कर रही हैं, जिस कृष्ण के चरण कमल के नाम क्या बताया गया था, रातुल चरण कमल कहा जाता है, रातुल चरण कमल भी रातुल शब्द के अर्थ होता है जिनकी चरण कमल लाल आभाजुक्त होते हैं, और एक पैर रख जमीन पर, एक पैर रखने पर दूसरी जमीन जब उठाते हैं ऐसे लगता है मानो रक्त की बूंद टपक रहे, माने इतना सुंदर कोमल होता है, लाल लाल आभाजुक्त होता है। एक तो कृष्ण के चरण कमल गोपियों की बक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित होता है, लाल होता है, और स्वाभाविक रूप में कृष्ण के चरण कमल भी अत्यंत जो है लाल युक्त होता है, और इतने रुई से भी है कोमल होता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं राधा, ये राधा जी स्वयं कह रही हैं, ये समस्त राधा जी स्वयं कह रहे हैं, ये कृष्ण जब गोचारण के लिए जब जाते हैं गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हैं, कृष्ण के चरण कमल में कितने कष्ट होता है, चलसी जद ब्रजन शारया न पसुन नलिन सुंदराम नाथ ते पदम कली लता मनं कांत गच्छसि, इस श्लोक के द्वारा बदल चलसी जद ब्रजन चारय न पसुन, विरह दशा में गोपियां गोपी गीत में कहते हैं जे हे प्राणकांत गोविंद, जब आप गोचारण के लिए जाते हो तब आपके रातुल चरण में कितने कठोर एक कितने कष्ट होता है, उस कष्ट को अनुभव करके व चिंतन करके हम लोग के मन विचलित हो जाते हैं, तुम कैसे, क्योंकि गायों के पैर में तो खुर है, वो तो कांटे भूसे कुछ भी चले जाते हैं, तुम्हारे पैर में तो जूता भी नहीं तक है, खालीपुर में चलते हो अर्जुन बैरफुट में चलते हो, क्या तुम्हारे चरण में क्या वो कंकड़ अथवा कांटे आदि नहीं लगते हैं, क्या लगता है, इसी को चिंतन करके हमारे हृदय दुखित होता है, इसलिए कहते हैं चलसी जादव ब्रजन चारण पसुन नलिन सुंदरम नाथ दे पदम, आपके चरण कैसे कमल के बदन नलिन पद, क्या आपके कष्ट नहीं होता, क्यों आप ऐसे जाते हो, और उसी को चिंतन करके हमारे मन क्या कहते हैं ना, चिंतन करते रहते हैं, आज हमारे मन कभी चिंतन करते हैं नहीं नहीं कृष्ण के लगते नहीं है, किसी को कहते नहीं लगता है, कृष्ण के चरण में कष्ट होता है, और फिर दूसरी मन कहते नहीं लगता है, ये कैसे होगा,
गोपियाँ की ये समझता जो है विचार रहते हैं। फिर गोपियाँ कह रही हैं लास्ट श्लोक में जो है श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में जो लास्ट श्लोक है क्या, जत्ते सुजात चरणामृतमस्तनेषु भीतासनेषु दधिमाम कुरकरेषु है। गोपियाँ कह रही हैं आपके ऐसे सुंदर चरण कमल हैं हमारे अपने कर्कश माने कठिन है बक्ष स्थल कैसे धारण करें है, इसके भी व्याख्या सुंदर है। तो कृष्ण कहने लगे चलो विधाता के तुम लोग प्रार्थना करो है, क्या प्रार्थना करो ये तुम्हारे जो है वो बक्षस्थल भी कठिन हो जाए। कई प्रकार के अर्थ बता रहे हैं, जो जुद जैसे कांटे के द्वारा जैसे कांटे उखाड़ा दिया जाता है बोले ठीक है हमारे चरण कमल कठिन है और तुम्हारे चरण कमल कठिन हो, अथवा कहो ये तुम्हारे बक्षस्थल है क्या हो जाए कोमल हो जाए नरम हो जाए, हमारे पैर कमल होने के नाते और तुम्हारे पैर भी कमल हो तो हमारे पैर में दुख नहीं होगा, इसलिए ये समझते हैं बहुत उच्च से चलो इसके तो महाबाप की दशा है। आगे बहुत सुन रही थी ना, इसलिए कह रहे हैं कर्कश तनु पर ऊपर धारण करती हैं उसी सुकुमार चरण कमल के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण करते हो, क्या वे चरण कमल सूक्ष्म कंकड़ पत्थर आदि पाषाण के द्वारा व्यथित नहीं होते हैं, पीड़ा नहीं होती है? इस चिंता से तुम भी जितने जिनको आत्मा हो उन हम उनके बुद्धि भ्रमित करते रहते हो है? इस महाविरह दुख रूप अंधकार में प्राण वायु भी संचरित होने के समर्थन नहीं होते, किंतु उस समय प्रगाढ़ प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्जवल हो उठता है, अर्थात प्रचुर स्नेह रूप तैल रहने के कारण दीर्घकाल तक प्रकाशित रहता है। यहाँ पर जो कहते हैं मैं जो पहले उदाहरण लिया प्रियतम प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण के हृदय में जो दीपक के उदाहरण दिया है, वो दीपक की तेल क्या है, जब तक तेल रहेगा तब तक वो बत्ती जलेगी नहीं, जलेगी तेल खत्म हो जाए बत्ती बुझ जाएगा, तो दीपक की वो तेल क्या है किसके साथ तुलना दे रहे हैं है? बोले आपके साथ हमारे साथ जो प्रबल जो है स्नेह रूप तैल, यहाँ पर राधा जी कारी है देखो है, प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्जवल हो उठता है, किंतु वह प्रचुर स्नेह रूप तैल अर्थात राधा कृष्ण एक दूसरे की स्नेह रूप तेल, समझ में दीपक तो कहा गया अच्छा ये तो समझ में आया, प्रेम रूपी दीपक कहा गया और वो दीपक की जो उजाला बात वो जलते जले वो जलेगा कैसे बिना तेल से है जलेगा नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि वो तेल क्या है तैल क्या है ना, हम दोनों के एक दूसरे के साथ जो प्रबल स्नेह स्नेह रूपी तैल तेल, समझ में आ रहे हैं ये उदाहरण दे रहे हैं है। स्नेह किसको कहा जाता है, स्नेह के दो लक्षण बताते हम सब समय दर्शन में अतृप्तता और दूसरी क्या परस्परानु स्नेह बंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंधे रहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है, परस्परानु स्नेह बंधनम है और दर्शन में अतृप्तता, दर्शन करके भी है लगते हैं हम दर्शन नहीं किया और भी दर्शन कर दें, पीऊँ पीऊँ बाल जाए जब तक है तब तक, ये चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं महाप्रभु की लीला में अंतिम चैतन्य चैतन्य चैतामृत में अंतिम माने अंत लीला में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये राधा गोविंद की दोनों की ऐसे प्रेम की ऐसे एक दूसरे के दर्शन में इतने अतृप्तता होते रहते और भी, क्योंकि उस समय जो एक होता है क्या दर्शन में अस्तित्व तो क्यों है ना, नवनिर्वाण रूप में भाव प्रकाशित होता है, प्रणय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग की यही लक्षण हो जाता है क्या ना, नवनिर्वाण रूप में नव नवयान रूप है एवर फ्रेश न्यू न्यूली
इस जगत में नहीं हो सकता है, है? किंतु राधा गोविंद की अप्रकृत दिव्य चित जगत में ये होता है। एक बार फिर सुनने बने जैसे देखते हैं ऐसे रूप को मैं कभी नहीं देखा, इतने सुंदर गोविंद की मुख कमल से लेकर के चरण कमल के इतने सुंदर, अथवा राधा जी के चरण कमल से लेकर के राधा जी के मस्तक की जो घुंघरावले बाल इतने सुंदर जो है, समस्त अंगई मधुर 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 अंग है। इसलिए बिल्ल मंगल ठाकुर के श्लोक मैंने उस दिन कहा था ना, है क्या बात बताया था, दे मधुरंग मधुरम बदनंग मधुरम, है ना, मधुरंग मधुरम बदन मधुरम, उनके बदन कितने मधुर, दो बार बोले उससे मधुर क्या है, नयनंग मधुरम, इसलिए चार बार कह दिया बदन के, कहा दो बार बदनंग मधुरंग मधुरंग बदनंग मधुरम, मधुरंग मधुरंग मधुरम नयनंग मधुरम है। ये बिल्ल मंगल ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, है कृष्ण कर्णामृत में, और उससे मधुर चार बार मधुर कहा दिया, किसमें, अधरम मधुरम 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 अधरम मधुरम, ये छह बार कहा, चार बार न उनके, दो बार चार बार यहीं पर है, क्या चार बार होते हैं, क्योंकि गोविंद की अधर इतने सुंदर जो है, है अधरष्ट, एक तो मधुर है कृष्ण के मुखमंडल के कहा गया मधुरम बदनम, और उससे मधुर क्या है, नयनंग मधुरम मधुरम नयन, दो बार कहा गया, और कृष्ण की जो अधर अष्ट जो है, अधर अष्ट मीन्स लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स, ये दोनों जो इतने मधुर है, क्यों, जहां पर वंशी विराजमान होते हैं, है वंशी कहां पर कृष्ण रखते हैं, अपने अधर पर रखते हैं, इसलिए गोपियां इसलिए कह रहे हैं हमारे बिल्ल मंगल ठाकुर कृष्ण पक्षीय गोपी होने के नाते है, कहते देखो ये वंशी के कैसे सौभाग्य है, और ये अधर के द्वारा ही प्रेम प्रकाश होता है, आंखों के द्वारा मुखों के द्वारा कानों के द्वारा जितना प्रकाशित नहीं होता है उसे सैगुना प्रेम की प्रकाश व प्रेम की दीप्ति आभा छटा कहाँ से प्रकाश होता है, होठों के द्वारा है, इसलिए कह रहे हैं बहुत सुंदर इस कथा को बोल छोड़ना इच्छा नहीं करता है, यह महाविरह दुख रूप अंधकार में प्राण प्राण वायु भी संचरित होने के समर्थ नहीं होते, किंतु उस समय प्रगाढ़ प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्ज्वल हो उठता है और मधुर स्नेह रूप तैल रहने के कारण दीर्घ काल तक प्रकाशित रहता है, किंतु ये स्नेह के बंधन कभी छोड़ता ही नहीं है, मतलब प्रास्प्राणु स्नेह बंधनम है, ये अनुराग की कहते हैं, तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के विरह दुख में ब्रज सुंदरी की प्राण किसी भी प्रकार से रह नहीं पाते, किंतु केवल मात्र अत्यधिक स्नेह कर रहने कारण ही उस समय प्रेम और उनकी और भी प्रबल आकार धारण कर लेता है, इसलिए उनके प्राण नहीं निकालते हैं, यह स्नेह ही उनको प्रेम को जो है पकड़ करके रखे हैं। रामचरित मानस मानस में जो श्लोक जी में सुखा जो कहा था वो तुलसीदास जी कहते हैं ना, रामचंद्र ने हनुमान जी के पूछा क्या मेरे पत्नी सीता देवी के तुम मृत शरीर में देखा कि जीवंत तो शरीर में, मैंने साक्षात उसमें को देखा, हनुमान जी के प्रभु ऐसे क्यों कह रहे हो, तो रामचंद्र कहने लगे मेरे विरह में मेरे पिताजी प्राण छोड़ दिया है, और मेरा पत्नी मेरे विरह में कैसे आज इतने दिन हो गया कैसे वो प्राण को धारण करके रखे, तो हनुमान जी बहुत कथा सुनाया है, नाम पहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट, तुलसीदास जी का नाम पहारु, आपके जो दो नाम रा और म, ये मानो दोनों क्या है, पहरादार है, गेट के पार है, बाहर खड़े हुए हैं, नाम पहारु दिवस निशी, राधा जी राधा सीता जी सदा सर्वदा ये आपके दो नाम ही उच्चारण करते हैं और दूसरे नाम नहीं उनके मुंह से, ये मानो
कहरा धरिए नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। और सीता देवी आपकी ध्यान छोड़कर कुछ ध्यान नहीं रखते थे, ये क्या हो गया, फटक हो गया, मैंने दरवाजा लगा दी। नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा प्रगण निज पद लोचन। और ये प्रभु सीता देवी की जो तन मन जो कुछ भी है आपकी चरण में ही लगा हुआ है, निज पद लोचन मैंने आँख लगा हुआ है आपके चरण में, वो मानो क्या है जंत्रित, निज पद लोचन जंत्रित। जंत्रित शब्द के अर्थ होता है ये है क्या ताला लगा हुआ है। और प्राण कहाँ गे बाट, बाट माने, बाट माने शब्द क्या है रास्ता, रास्ता कहते हैं बाट है, ये जाए जाने के रास्ता कहाँ है, है? आज समझो नहीं, एक तो फटक लग द्वारपाल भी बाहर बैठा हुआ है, दो द्वारपाल वो तो जाने नहीं देंगे, ये बार फटक भी लगा दिया और फटक में फिर भी ताला लगा दिया तो बाहर कहाँ से जाएंगे। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सिया। हाँ आरती करो, हरे कृष्णा गाओ।